वेलकम बैक जी नाजरीन, हमारे साथ हैं सनी खान और हम इनसे अभी बातें कर रहे थे और अभी मज़ीद बातें कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, जहाँ से बात स्टॉप की थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे पड़ोसी ममालिक को यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। नहीं, हम बात कर रहे थे वजाहत की। वजाहत की, तो वही वजाहत आप बयान कीजिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, होता यह है, ये फुकदान है हमारे यहाँ का कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूंगा, अनफॉर्चुनेटली गेम ये है कि जब यहाँ कोई बाहर के आर्टिस्ट आते हैं, हम उनको सराहते हैं, मान सम्मान देते हैं। ठीक, मैंने भी ऐसे ही कहा कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमें बड़ा मान सम्मान मिलता है। तो ये हमारे यहाँ का एक अलमिया है, नफ्सियात है, यू कैन से लाइक अ साइकोशन है कि हमारी साइकी में बाहर के आर्टिस्ट सुपरस्टार है, अपने आर्टिस्ट घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट होता यह है कि हम जब यहाँ भी बहुत सारी ऑडियंस हमें ऐसी मिलती है जो सर का ताज बनाती है, और हर इवेंट्स में हर रात का एक कोई ना कोई बादशाह होता है। वो कोई भी हो सकता है, मैं ही नहीं, कायना चौहान भी शहजादी हो सकती हैं, बादशाह भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे ही होता है कि हम जब अपनी बहुत ऑनेस्ट होकर के अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं तो लोगों के दिल जीत लेते हैं। बिल्कुल, ये है सारी बात, और यही मेरी वजाहत है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंसान को अपनी ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए, अपने फन पे भरोसा रखना चाहिए, और मेहनत से पीछे नहीं होना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमारा ही है, कभी तो वक्त आएगा। यस ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, यही बात मैं करूँगी कि लेकिन जो पड़ोसी ममालिक हैं वो अपने आर्टिस्टों को बहुत वैल्यू देते हैं, वो प्रोटोकॉल वैसा ही देते हैं, और हम भी अगर वहाँ जाएं तो हमें भी वैसा ही देंगे। ऐसे ही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। रीजन है ना उसका, हम यहाँ पर आकर के एक बात पर खड़े हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ मशरिकी हो जाते हैं, यू नो, और एंटरटेनमेंट हमें पूरी चाहिए। तो ये फिर हमें, हम अपनी जात से ऑनेस्ट नहीं है। मैं एक बात बखूबी कहता हूँ और बड़े अलल एलानिया कहता हूँ और बड़े वसूख से कहता हूँ कि आज के दौर में इंसान वो भला जो अपना मुहासबा ईमानदारी से कर ले। सही, ठीक है, हम तनकीद में बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा ही आगे हैं, तनकीद करने में बहुत आगे हैं, प्रैक्टिकली अप्रिशिएट करने में पीछे हैं। प्रैक्टिकली हमारे अपने ऊपर कोई बात आ जाएगी तो हमसे शरीफ और हमसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। और हम अगर ऑनेस्ट होकर के बीइंग अ मुस्लिम अपना मुहासबा करें तो हमें पता चलता है कि हम खड़े कहाँ हैं। बिल्कुल, हमसे गया गुजरा फिर कोई नहीं। दिस इज द ट्रूली फैक्ट ऑफ लाइफ। ये तो है, यस। और तनकीद वाले लोग जो है ना वो तो हर जगह है, और तनकीद बराए तनकीद चलती है। मैं आपके बारे में 10 बातें बुराई के जमरे में कह जाऊंगा कि नहीं, कायनात चौहान ऐसी है, कायनात ने ये किया, कायनात ने वो किया। कायनात के अंदर झांक के नहीं देखना कि कायनात किन सर्कमस्टेंसेस का शिकार है, कायनात अपने वक्त को किस तरह पास आउट कर रही है। कायनात जो आज मीडिया की एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है या बहुत अच्छी होस्ट है या बहुत अच्छी एंकर है, बट एज पर ह्यूमन बीइंग उसकी भी तो फील है, उसमें भी तो दिल धड़कता है, नहीं लेकिन उसकी भी तो फैमिली के मामलात हैं। बिल्कुल, उनको हम नहीं देखेंगे, वो कोई नहीं देखता। तो ये क्या हुआ, बद एहसासी हुई। तो यहाँ एहसास के जमरे से फारिग है हम, और हमें अपने अंदर एहसास पैदा करना होगा, क्योंकि जब हम किसी का एहसास नहीं करेंगे तो हमारा कोई नहीं करेगा, कोई एहसास नहीं। और हमें सिर्फ एहसास अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चों का है, और इंसानियत नहीं है मुआशरे में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑनेस्ट नहीं है, हम बाज़मीर लोग नहीं है, हम सॉरी टू से मैं बड़ा जुनूनी हो जाऊंगा और फिर मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि कुछ और मेरे मुंह से बकवास निकल जाए। हाउएवर, फॉरगेट इट। अच्छा चले, मैं आपकी इंस्पिरेशन पे आती हूँ। गोविंदा तो खैर हमारे पड़ोसी मुल्क के हीरो हैं और बहुत अच्छे हैं, आप डांस वहाँ से आप क्रेजी हुए, लेकिन पाकिस्तान में किससे इंस्पायर है? मेरे पाकिस्तान में आई मीन यू नो डांसिंग हीरो कोई आया नहीं। माजी में इस्माइल शाह साहब थे, उनका बड़ा नाम था, वो एक डांसिंग हीरो थे, लेकिन क्योंकि अल्लाह की मर्जी थी वो, हम ये कहते हैं कि बहुत जल्दी चले गए, लेकिन जिसका जो टाइम है मुकर्रर होता है वो उस पर जाता है। बिल्कुल, अल्लाह ने उन्हें बुला लिया, लेकिन वो डांसिंग हीरो थे तो उनको भी लेकर के मेरे दिल में एक ये विश थी, और गोविंदा जो हमारे हिंदुस्तान के हैं उनको भी लेकर मेरी ये विश थी कि पाकिस्तान से मैं फर्द वाहिद एक ऐसा नाम पैदा करूं अपना कि जो अपने मुल्क की पहचान बनू, कि नहीं यार हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे हीरो पड़े हैं जो ऑलराउंडर पर्सनैलिटी है, जो डांस में भी पीछे नहीं है। फॉलो आप किसी को भी कर सकते हैं, लाइकिंग आपकी कोई भी हो सकता है, चाहे हिंदुस्तान हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने हीरोज काम कर रहे हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपकी लाइकिंग में हो, लेकिन उसमें फिर आपको अपना आप भी दिखाना पड़ता है कि मैं क्या हूं।
क्योंकि हम देखें जिस सेकंड नेम के फॉलोवर होते हैं ना, हिट उसने ही होना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरे साथ, मेरे नाम के साथ लोगों भी लगा कि सनी गोविंदा भी लोगों ने कहा, सनी खान लोधी भी कहा। लेकिन फिर मैंने अपनी एक अलग सी चीज भी दिखाई लोगों को कि मैं ये हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। अगर मैंने गोविंदा दिखाया तो उनको अपना आप भी दिखाया कि मैं ये, उसको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया, रिगार्ड दिया कि नहीं यार यू आर समथिंग, यू आर डिफरेंट अबाउट दैट द ऑल ऑफ सिचुएशंस यू नो। सो मुझे खुशी हुई इस बात की कि लोगों ने उसका रिगार्ड दे दिया, मुझे मेरी मेहनत का मुआवजा मिल गया। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था या इजीली सब कुछ मिल गया? सच पूछें बहुत स्ट्रगल किया है। कैसा वो स्ट्रगल का पीरियड कैसे गुजरा, क्या क्या हुआ मुझे बताएं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आगाज सफर था मेरी लाइफ का सन 1990 में, रेडियो पाकिस्तान में आर्टिस्टों की एक मार्केट लगती थी, उसको हम अपने लफ्जों में फनकार मंडी कहते थे। अच्छा जी हाँ। वहाँ रात को 8 बजे 7 बजे से आर्टिस्ट आना शुरू हो जाते थे, हम बैठ के होटलों पे चाय पीते थे, फिर वहीं पार्टियां आती थी, वहीं से आर्टिस्टों को बुक करती थी, वहीं से इवेंट्स पे चले जाते थे। तो उस टाइम पे जेब में 50 रुपए भी नहीं होते थे और घर से 10-20 रुपए खर्चे के जो मिलते थे वो लेके चले गए, उसमें भी बसों में जा रहे हैं तो वो खर्चा निकल गया, कर्टिसी में किसी को चाय पिला दी तो वापसी का किराया भी खत्म हो गया। तो जुनूनी थे क्योंकि काम के इवेंट्स जब मिले तो दूर दूर के मिलते थे कि कभी औरंगी टाउन जाना है इवेंट पे, तो कभी गुलशन जाना है, तो कभी नागन चरंगी जाना है, कभी लांडी जाना है। तो बिल्कुल ऑनेस्ट आपको एक बात बताऊं कायनात के, मैंने बहुत मेहनत की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस ब्लड से हूं, मुझे मांगना नहीं आता था लोगों से कि यार मेरे पास पैसे नहीं, आप मुझे 10 रुपए दे देंगे या 50 रुपए दे देंगे, तो मैं खामोश रहता था। मैं कर्टिसी में लोगों को चाय पिला देता था जो पैसे होते थे, लेकिन उसके बाद जेब में कुछ नहीं होता था। जब इवेंट आता था तो मैं वहां से पैदल जाता था। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं वहां इवेंट पे तब पहुंचता था कि जाते ही मेरे एक गाने की या दो गानों की एंट्री हो गई और लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया और अजाने हो गई, इतना लेट में पहुंचता था। जाहिर है पैदल। तो मैंने बहुत मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसका अजर भी ये दिया कि उस मेहनत से परवरदिगार ने वो तमाम तर चीजें दी जो एक आसाइश और एक रिहाइश होती है जिंदगी की, अल्लाह ने वहां लाके खड़ा किया। जबरदस्त, बड़ा काम किया। कभी ऐसा हुआ कि घर में फाके पड़ गए हो और कुछ ना हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के आसरे बैठे हो के यार ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत एहसान। मैं मतलब मैं लोधी फैमिली से हूँ और मेरे, मैं 8 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 भाई हैं। हम तो उस टाइम पे तो सारे भाई साथ ही रहते थे, बहुत कम थे जिनकी शादी हुई थी। और उसके बाद जाहिर फिर आपको पता है सब बहुत बड़ी फैमिली है, 2 बहनें थी मेरी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि फाका कशी हो, क्योंकि और भाइयों के बिजनेसेस थे मेरे, आई मीन मेरे खानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं है, सिर्फ आप, मैं फर्द वाहिद हूँ। और आर्टिस्ट, मेरा मानना और कहना ये कि आर्टिस्ट बाय बोन बाय बर्थ होता है, बिल्कुल अदरवाइज नहीं होता, बनता नहीं है। क्या मैं मम्मी पापा का बेटा हूँ और मैं 20 साल बाद गिटार लेकर के आ जाऊँ और मैं आर्टिस्ट बन जाऊँ? आई एम सॉरी, आर्ट आपके अंदर ब्लड में होता है, जो बचपन से आप में दिख रहा होता है। तो आप अपने फन के जुनूनी होते हो, खानदान में मैं फर्दे वाहिद हूँ, आपके सिम्टम्स बता रहे होते हैं कि नहीं यार ये कुछ करेगा। तो मेरे खानदान वाले, मेरे रिलेटिव्स मुझे कहते थे कि ये भाई ये हमारा सुपरस्टार है। और घर में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं, बल्कि मेरे पापा इतने आई मीन गुस्से वाले थे कि उनके खौफ से, उनके डर से मैं, वो पूरी रात जागते थे, इबादत करते थे, नमाजें पढ़ते थे और फजर की नमाज पढ़ के वो सोते थे। और मुझे रात में शोज में निकलना होता था, तो मैं कभी अपनी बड़ी बहन को राजी करता था, कभी बड़े भाइयों को राजी करता था कि मुझे जाने दें। और वालिद साहब को पता होता था? उनसे छुप करके, छुप के आप जाके छतों से कूद के। और वालदा को पता होता था? अम्मी को मनाता था, वालदा तो मान जाती है। अम्मी और अब्बू अभी नहीं, अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। वालिद का रोब बहुत था, उनसे डर बहुत था, और बड़े भाइयों का भी डर था, लेकिन फिर भी क्योंकि छोटा था तो मना लेता था, रो के चुपट के प्यार करके उनको मना के मैं इवेंट पे चला जाता था। तो इस तरह की मेहनत करी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि जिसमें फाके हों, क्योंकि भाई, क्योंकि भाई थे। अच्छा, मैंने कहा शायद आप अकेले वाहिद नहीं, नहीं, कमाने वाले भाई थे, भाई थे, जाहिर है बड़े भाई थे तो आपको इतनी टेंशन ही नहीं होगी कमाने की, वो वैसी टेंशन नहीं थी जो आई मीन आज जैसे कोई भी सरवाइव कर रहा है अपनी बीवी बच्चों को लेके। बिल्कुल। और इस दौर में आज मैं आई मीन सारी अपनी अपनी फैमिली को लेके सरवाइव कर रहा हूँ, मैं अपनी सरवाइव कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा कि कभी इस कंडीशन में नहीं है। बस आपको ये था कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ बनूं, बन के दिखा। सेल्फ मोटिवेशनल थी मेरे अंदर, मैंने खुद कुछ कर रहा है और किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया।
मेहनतों का मुआवजा बहुत अच्छा दिया माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई वाकया पेश आया हो किसी फिल्म में, किसी ड्रामे में या डांस शोज जो आप करने जाते हैं, किसी इवेंट में कभी कोई अचानक कुछ हो जाता है ना और उसको मैनेज करना पड़ा, या कोई ऐसा वाकया? मैं आपको बताऊं कि पहले ना ग्रुप डांसिंग ग्रुप होते थे, तो जब न्यूली मैंने स्टार्ट किया डांस तो मुझे क्रेज था डांस का, मैंने 5 लड़कों का ग्रुप बनाया। उस दौर में किसी के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, हमने पैसे जमा करके मैंने साइकिल खरीदी, स्पोर्ट्स साइकिलें खरीदी हमने 5, मतलब अपने ग्रुप को बड़ा निखारने के लिए मैंने 5 साइकिलें खरीदी, कॉबॉय कैप बैग टांगे में। तो हमारे ग्रुप का नाम बड़ा हमने रॉकिंग रखा हुआ था। क्या नाम था? हमारा था वंडर द नाइट विजर्ड, यू नो, डांसिंग ग्रुप। तो हम जाते थे जब निकल के, तो जिस भी पार्टी में, अव्वल तो वो वाला भी टाइम हमने गुजारा है कि हम खटखटा के जिस घर में देखते थे लाइटें लगी ना, खुद पूछते थे कि यहाँ क्या हो रहा है, वो शादी हो रही है। तो हम बोलते थे कि यार हम डांस करते हैं, हम आपके शो करते हैं, फ्री में करते हैं, फ्री में करते हैं। काम करने का जुनून था, पैसा आए ना आए कोई फिक्र नहीं थी, बस काम करना, काम करना है, शो करना है। तो क्रेजनेस इतनी थी, तो हमने ऐसे भी किए, साइकिल ली, ग्रुप बनाए, शोज करना शुरू किए और सर्वाइविंग करते चले गए। तो वही जुनून, इंसान को जुनून जो होता है वो उसकी मंजिल देता है। शौक से आपको काम कभी कभी मिलता है, जुनून से आपको मंजिल मिलती है। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पैशन आज भी है, अल्लाह ने आज भी रखा है कि जब जब अपने जिस भी काम पे खड़ा होता हूँ, चाहे मेरा होस्टिंग का होता है, मैं आपकी दुआ से 3 कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर होस्ट करता हूँ। माशाल्लाह। मैं सुजुकी का ब्रांड एम्बेसडर होस्ट हूँ, बॉश फार्मा का हूँ, मैं टैक्सपर्ट का हूँ, 3 कंपनीज को ऑल ओवर द पाकिस्तान मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एज पर ब्रांड एम्बेसडर होस्ट। और उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज के प्राइवेट इवेंट भी करता हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशन भी है मेरी अपनी स्टाफ के नाम से। माशाल्लाह। बहुत सारे काम है, नन्ही सी जान है, दुआ कीजिएगा। मैं बिल्कुल, दुआ तो है और अल्लाह का हाथ भी आपके ऊपर है, देखें ना आप माशाल्लाह इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरा एक बात का मानना है कायनात के, शमा बुझ जाए तो जल सकती है, शमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो अपने इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। अरे वाह, बहुत जबरदस्त। इस बात को अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो आप हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। और अपना आपको अपना गोल डिसाइड करना है, आपको अपना टारगेट रखना है कि मैंने वहां पहुंचना है, मेरी मंजिल वो है। जब चूंटी जैसी नन्ही जान 36 बार आप देखती हो किसी वॉल पे वो चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, एक वक्त ऐसा आता है वो अपनी मंजिल पे होती है। तो और आप और हम तो अशरफुल मखलूकात है, दुनिया हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है और हम हर चीज पे भारी हैं, तो हमें तो डरना ही नहीं चाहिए। तो जिस तरह मैंने अपनी बात में पहले भी ये कहा कि ये कोरोना, ये जो कंटेजियस है, इससे अल्लाह पाक इस वबा से पूरी दुनिया को बचाए, इस वबा को खत्म करे, और हमने हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह ये भी कुछ भी नहीं, ये भी गुजर जाएगा, बिल्कुल ये भी वक्त। और ये 1.5 साल से हम इस सर्कमस्टेंसेस को फेस कर रहे हैं, आप और हम और माशरे के तमाम तर लोग। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि आपने देखा होगा कभी कि कोई राहगीर बाइक पे जा रहा है रात के पहर में, जो 3-4 बज रहे हैं, और अचानक उसकी बाइक पंचर हो गई है, और पंचर की दुकान मीलों मील नहीं है, वो धक्का लगा करके बाइक को लेके जाएगा, ढूंढेगा ढूंढेगा ढूंढेगा, चाहे वो 1.5 घंटे बाद अपनी दुकान पे पहुंचे कहीं। बिल्कुल। पहुंचने के बाद थक जाएगा, पसीनों पसीनों हो जाएगा, लेकिन जब उसकी गाड़ी पंचर लग जाएगी ना, तो किक मार के वो सारी थकन खत्म हो जाती है। जब वो गियर डाल के बाइक चलाता है ना, तो वो पिछला भूल जाता है कि मैं कहां से आया। तो ठीक इसी तरह आपकी लाइफ भी है कि लाइफ में आप कभी अपनी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हार नहीं माने, हारना नहीं है आखिरी सांस तक। मेरा ईमान है मेरा रब आपको मंजिल देगा। बेशक बेशक, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी सोच है आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है मीडिया हमारी इंडस्ट्री में, उनको क्या कहेंगे आप कि सीख कर आना चाहिए एक्टिंग? आप अभी कह रहे थे ना कि एक तो बॉर्न आप में आप हैं एक आर्टिस्ट, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं बस ऐसे मुंह उठा के। जी 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 जी। तो कई दफा शूट्स भी कैंसिल हो जाती हैं इस वजह से कि न्यू आ जाते हैं और डायरेक्टर्स कहते हैं कि भाई हमें तो सीखे हुए बंदे चाहिए, कि भाई जो आए और बस सीन करें और जाएं। अब तो ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसे ही आजकल तो ऐसा ही है। पुराने वक्त में शायद ऐसा होता होगा कि रिहर्सल्स होती होंगी, मैंने सुना है सिखाते होंगे, पीटीवी का दौर था तो उसमें ऐसा होता था, अब तो ऐसा नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा कहना जो है ना, मेरी जो गैदरिंग के हल्का अहबाब के लोग हैं वो हंसते हैं, वो बोलते हैं तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है,
मेरी एक बड़ी ऑथेंटिकली ऑब्जर्वेशन है कि सन 2000 से पहले जो लोग आपके पास आते थे ना, चाहे आपकी सहेलियां या मेरे फ्रेंड्स या लोग या जान पहचान के या नॉन फेसेस जो आपके पास आते थे ना, आपकी सहेलियों में या आपको जानता हूं एज एन आर्टिस्ट, तो वो आपके आगे शागिर्द बनते थे 2000 से पहले। 2000 के बाद शागिर्द आना बंद हो गए, डायरेक्ट उस्ताद आ रहा है। इस बात में तो मैं ताली बजाऊंगी। मैं यहीं से बात कंटिन्यू करूंगी, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेती हूँ। जी नाज़रीन, बड़े मजे की अब बात होने वाली है, तैयार हैं आप लोग भी सुनने के लिए? ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।